राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने ओलावृष्टि को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सदन में पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पिछली वसुंधरा सरकार किसान बीमा के 1150 करोड़ रुपए बकाया छोड़ गई थी और जिसे नई सरकार ने चुकाया है। उसके बाद बीमा कराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। मंत्री के जवाब को लेकर सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। सदन में हंगामा होते देख विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया और फिर इसके बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो सकी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अपनी अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में किसानों के मामले पर राजनीति यहां पर करते हुए साफ देखे गए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में कल ही कह चुके हैं कि ओलावृष्टि की गिरदावरी के निर्देश दे दिए, जो भी नुकसान हुआ है उसका भुगतान सरकार करेगी। एडमिशन का ग्राफ इतना ज्यादा गिरता जा रहा है। प्लीज आपके क्वेश्चन में क्या चीज आपको करनी उसमें आप आए, उसका जवाब देंगे। जनरल डिबेट नहीं है। यस, मैंने जो क्वेश्चन में